बस बबू, मेरा भांजा रामचंद्र अपने पिता के देहांत के बाद मेरी निगरानी में ही रहता है। मैं उसका एकमात्र अभिभावक हूँ। उसकी माँ ने ही मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मेरे साथ ही मलिंग लेन के घर में वो रहता है। वो अपने घर तो जाता ही नहीं। आप ही तो रामचंद्र के अभिभावक हैं और आपने ही तो लड़की का चयन किया है, ये हमें पता है। हाँ वो तो पता है, लेकिन मुझसे लड़की का चयन सही हुआ है ये तो मुझे पता नहीं। नहीं नहीं अबे बाबू, मैं ऐसी पढ़ी लिखी लड़की को अपने भांजे के लिए नहीं चुन सकता। ये शादी मैं तोड़ दूंगा। नहीं नहीं अभी इतना निराश मत होइए। मेरी बातों पर विश्वास ना करके आप खुद ही सोच समझ लीजिए ना। राजचंद्र दास, अभी आपको समझ में आएगा कि खुद की बेइज्जती का कितना दर्द होता है। मुझे बिना बताए जब मेरी पत्नी और बेटे को यहाँ से हटा दिया था, तब मेरी यहाँ पर कितनी बेइज्जती हुई थी। आज तुम्हें समझ आ जाएगा। अब सुध के साथ उसका बदला लूंगा। देखिए रामनारायण बाबू, मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ दिन आप सोचिए, नजर रखिए। अगर शादी तोड़नी है तो शादी के मंडप में ही तोड़िए। सुकुमार शास्त्री महापंडित पहचानते हैं ना? हाँ, अच्छी तरह पहचानता हूँ। उनके पिताजी हमारे कुलगुरु थे। मैं क्या सोच रहा हूँ जानते हो दास बाबू? एक बार उनसे पूरी जांच विचार करवाने के बाद ही शादी की बात पक्की करूंगा। जो भी निर्णय लेना है शादी के मंडप में ही लीजिएगा। राजचंद्र दास, शादी के मंडप में तुम्हारी बेइज्जती होगी। देवर जी, समधी जी को नीचे आने के लिए अनुरोध कीजिए ना। उनके घर के सारे लोगों के लिए कुछ उपहार हैं। अगर मेहरबानी करके ग्रहण कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपकी सम्मान हानि है तो मैं आपसे अनुरोध नहीं करूंगा। नहीं, देखिए जब रिश्तेदारी हुई है तो गुस्सा, दुख, नाराजगी ये सब पाल के किसका फायदा होने वाला है। सब कुछ जरा समायोजन करके चलना पड़ेगा। जो भी हो, चलिए कहाँ जाना है बताइए, चलते हैं। हाँ हाँ चलिए। बार 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 पैसों का जोर दिखाकर भैया को अपमानित होने से बचा लेते हैं भाभी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। किसी ना किसी दिन तो मौका मिलेगा ही। करके उसको जरा सिखा पढ़ा लीजिएगा। हाँ वो तो कर लेंगे, लेकिन लड़की को भी तो ससुराल के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा ना। हाँ ये तो सही बात है। तूने अच्छा काम किया छोटी बहू, इस समय उपहार भेजकर और वो लोग उपहार पाकर वो लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन चंदर को आज घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। बेटी की शादी होने वाली है, रिश्तेदारी निभाना भी तो कोई चीज होती है। वो लोग कमियां निकालते, लेकिन जरूर कोई समस्या हुई है, नहीं तो वो जरूर वापस आ जाते। समाज की समस्या सुलझाने गया है चंदर। वही करता रहे चाहे घर बर्बाद हो। वो तो तूने संभाल लिया, नहीं तो क्या होता पता जरा।
दीदी, आपके देवर जी और समधी जी मिलकर इतने आसपास आकर क्या बात कर रहे हैं जी? मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। जरूर किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। सरजू, रघुवीर ने चाहा तो ये शादी जरूर होगी। कोई इसको रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। रानी, कुटुंब के घर से पद्मा मणि के मामा ससुर आए थे ना? मैं घर में नहीं था तो उन्हें बुरा तो नहीं लगा? दरअसल मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था। लेकिन आपका चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? रानी, राम मोहन बाबू की भाभी सती हो गई है। लोग उन्हें बचाने गए थे, एक शेर दिल पुरुष है। हाँ, कुछ क्षण के लिए वो विचलित हुए थे, लेकिन खुद को संभाल लिया। इस हादसे ने उनको और मजबूत कर दिया है। हम लोग भी उनके साथ हैं। मैं, द्वारकानाथ, हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि हार नहीं मानेंगे, उनके साथ रहकर सती के विरुद्ध लड़ेंगे। लेकिन समाज के बड़े लोग तो अभी भी इस सती दाह प्रथा का समर्थन कर रहे हैं। आप लोग उन्हें रोकेंगे कैसे? रानी, जरूरत पड़ने पर सरकार को अर्जी देंगे, कानून बना के ऐसी प्रथा को बंद करवाएंगे। वो सब छोड़ो रानी, मैं कह रहा था कि मेरे घर में ना होने से कोई समस्या तो नहीं हुई ना? दरअसल वहाँ ऐसी परिस्थिति हो गई कि मैं वहाँ से आ नहीं पाया। नहीं नहीं, आप ये सब मत सोचिए, इधर कोई समस्या नहीं हुई है। आपने वहाँ रुककर अच्छा ही किया। अगर आप इस समय राम मोहन बाबू के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? ये तो आपका कर्तव्य है। माधव, माधव रुको जरा, माधव रुको। सुनो, कितनी बार तुमसे कहा है ऐसे खाना छोड़ के भाग दौड़ नहीं करनी चाहिए। उस तरफ कहाँ जा रहे थे? उस तरफ एक तितली दीवार पर बैठी है, मैं पकड़ लूँ? नहीं, बाद में पकड़ना, कल सुबह बगीचे में जाके तितली पकड़ना, बगीचे में बहुत तितलियाँ हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी पकड़ूंगा। माधव, माधव, क्या बातें कर रहे हैं वो? ऐसा लगता है कि वो
कोई गुप्त परामर्श कर रहे हैं। तो फिर यही बात रही, आप लोग अभी जाइए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। माधव, माधव, माधव रुको, माधव। कैसी शिक्षा दी है बेटे को, बाप को देखकर प्रणाम करना दूर की बात, देखकर चला गया। नहीं नहीं माधव, बच्चा है ना, ज्यादा कुछ समझता नहीं है। अच्छी शिक्षा मिलती तो समझता ना, वो तो उसको मिली नहीं है। एक बात पूछूं क्या, आप किसके साथ बातें कर रहे थे, कहीं कोई गुप्त परामर्श कर रहे थे क्या? तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है सरजू, तुम मुझसे प्रश्न कर रही हो। मुझे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि किसके साथ मैं कैसे बात कर रहा हूँ, किसके साथ विचार विमर्श कर रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसा क्यों? बहुत दिनों से आदत छूट गई है, भूल गई हो कि मेरे साथ कैसे रहना पड़ता है। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि गुस्सा होने पर मैं क्या कर सकता हूं, पेट की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि बड़ी दीदी तुम्हें बचा लेगी तो तुम गलत हो, सावधान हो जाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, वो कुछ छुपाना चाहते हैं, इसीलिए गुस्से के आड़ में वो छुपा रहे हैं। नहीं नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये बात एक बार जेठ जी को बतानी पड़ेगी। नाई, हलवाई, शहनाई वाले। सुनिए जी, आपने मुनीम जी से बोला है ना ब्राह्मण की विदाई का आयोजन करने के लिए, मैं उनको गर्म वस्त्र दान में दूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ठीक है कल सुबह बोल दूंगा। और हाँ, हलवाई को मिठाई के लिए पनीर बनाने को कहा है ना, और साथ में खीर भी बनानी है। ठीक है बोल दूंगा, लेकिन हलवाई की जिम्मेदारी किसकी है जरा देखो तो। अब हाँ बनो बिहारी नया गोमस्ता। ठीक है बोल देता हूँ। देखा रानी, तुम्हारे पढ़ने से मुझे कितनी मदद मिली है, अभी मुझे खुद से पढ़कर पता करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अच्छा मैंने तुम्हें कुछ कागज दिए थे, क्या वो तुमने पढ़ ली? उसमें तुम्हारे हस्ताक्षर की जरूरत है। आप बैठे रहिए, क्या मैं आपकी तरह दिग्गज हूँ? पढ़ने में जरा समय लगेगा मुझे, पद्मा की शादी ठीक से हो जाए बस। मेरे दिल में एक डर है, दामाद के मामा उस राम नारायण बाबू पर मैं पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही। ये क्या, वो तो खुशी से शादी के लिए राजी हुए थे, कुछ हुआ है क्या? ठीक से समझ नहीं आ रहा, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगा कि उनके दिल में कहीं नाराजगी है। वो लोग कुलीन हैं, हम लोग नहीं हैं, इस बात को लेकर जरा मतभेद है। रानी तुम्हें पता है कि मैं ये सब नहीं मानता, तुम राजी हो गए इसलिए मैंने वैसे परिवार के साथ रिश्ता जोड़ा, नहीं तो लड़कों की कमी नहीं है। पिताजी, ओ पिताजी। हाँ बेटिया, क्या हुआ है बेटी? पिताजी मुझे अपने बालों के जूड़े का गहना पसंद नहीं आ रहा है, आप गोरू की दुकान से मेरे लिए नए गहने मंगवा दीजिए ना। मैंने माँ को कितनी बार कहा है आपको बताने के लिए, पर माँ तो मेरी बात ही नहीं मानती। ये क्या है बेटी? रानी मेरी पद्मा बेटी नया गहना मांग रही है और तुम राजी नहीं हो क्या? पिताजी को बोल के कोई फायदा नहीं होगा पद्मा, तुम्हारी दादी ने तुम्हारे गहने खुद पसंद किए हैं, अभी से ही अपनी राय दे रही हो तुम। रानी कुछ दिन के बाद बेटी चली जाएगी, जब ये नया गहना मांग रही है तो बनवा के दो ना, अगर तुम चाहो तो मैं हैमिल्टन के दुकान के सुनार को बुला सकता हूँ। ये अच्छा होगा पिताजी, कल ही उन्हें बुला लीजिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है,
आप इसको ज्यादा बढ़ावा मत दीजिए। कुछ दिनों के बाद ये अपने ससुराल में जाएगी, वहाँ अपने राय देने से इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं यही सोच के ये सब बात कर रही हूँ। और तुम्हारे पास तो बहुत सारे गहने हैं ना पद्मा, फिर भी मन नहीं भर रहा है, और चाहिए? अभी यहाँ से जाओ, पिताजी अभी लौटे हैं, उनको परेशान मत करो, जाओ। रानी, तुम बहुत सख्ती से बेटियों की परवरिश करती हो। आपकी बड़ी बेटी बिल्कुल अलग है, बहुत गुस्सैल और जिद्दी है। मैं कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाती हूँ, वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? कैसे? उसने तो बताया नहीं उसकी बहन को क्या पसंद है, क्या नहीं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितनी साड़ियाँ कितने गहने हैं उनके पास, सिर्फ खुद की बात। मैं सोचती हूँ कि लड़की अपने ससुराल में जाके क्या करेगी। ओ दीदी, बस बस, तुम कब आई? तुम्हारी दीदी तो दिन रात तुम्हारा नाम ले रही थी, कह रही थी कि तुम्हारे सिवा शादी वाले घर में काम संभालने वाला कोई नहीं है। मैं तो पहले ही आना चाहती थी, लेकिन पिताजी। तुम्हें नहीं भेजकर अच्छा ही किया, देवर जी को अभी तुम्हारा मूल्य समझ में आया है। ऐसा नहीं है दीदी, वो तो थोड़ी देर पहले ही मेरी चमड़ी उधेरेंगे कहकर मुझे धमका के गए हैं। पहले मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन अभी मैं इन सब से नहीं डरती। लेकिन दीदी, मैं आपको एक बात बताने आई हूँ। कुछ देर पहले मैंने देखा, वो कुछ ब्राह्मणों के साथ बातें कर रहे थे। वो लोग कौन थे वो तो मुझे नहीं पता। अच्छा दीदी, पहले जो ब्राह्मण लोग हमारे यहाँ दान लेने आते थे, वो अब नहीं आते हैं क्या? अभय तो कह रहा था कुछ ब्राह्मण पुजारियों को लाएगा। नहीं नहीं दीदी, ये लोग लेकिन। सरजू बहू सुनो, दोनों देवरानी जेठानी की क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। कल सुबह सुबह मेरी पोती को स्नान करवाना है, ये बात याद है ना तुम दोनों को? याद है माँ, याद है, अच्छे से याद है। आपके पैरों में दर्द है तो फिर आप यहाँ क्यों आ गई माँ, किसी और को भिजवा देती। ये तुम क्या कह रही हो छोटी बहू, अभी तुम लोग काम में बहुत व्यस्त हो, पूरा घर रिश्तेदारों से भरा है, तुम लोगों को बार बार बुलाने से चलेगा क्या? चंदर माँ, सुन बेटा, कल सुबह एक बार रिश्तेदारों के घर में जाना है। तू नहीं था इसलिए वो लोग सच में बहुत नाराज थे। जाना बेटा। सरजू बहू, अभय को देखा जल्दबाजी में कहीं निकल गया, इतनी रात गई वो कहाँ गया है तुम्हें कुछ पता है? ये क्या, अभी बाहर निकला है? सुना है वो आजकल कट्टर ब्राह्मण के साथ बहुत ज्यादा मेल मिलाप कर रहा है। अचानक क्या जरूरत पड़ गई है इतनी रात गए बाहर जाने की?